हेलो गाइस वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू आप सभी का स्वागत है नवर लीट बैच चलिए स्टार्ट करते हैं सेट टू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस सेवनटीन इज राइट चलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे समझते हैं क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस सेवनटीन इक्व टू जीरो दो रूट्स आए दैट इज अल्फा एंड बीटा अब आप क्या करो आपके पास जो भी रूट आए ना अल्फा बीटा आप इनको क्या करो इनका रेसिप्रोकल लो दैट इज वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा अब आप इन दोनों की मदद से एक इक्वेशन फॉर्म करो क्या करो इक्वेशन फॉर्म करो और आपको यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपकी जो इक्वेशन यहां से फॉर्म होगी वो इन चारों में से कौन सी होगी ठीक है चलो अब हम क्या करते हैं पहले यहां पे जनरल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं सो अब जनरल फॉर्म इज जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्व टू जीरो करेक्ट That is X square minus sum of roots X plus product of roots equals to zero. So that is your general form. Correct. देखिए एक को जनरल फॉर्म आपको यहां बता देता हूं नेक्स्ट जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो यहां पे आपके दो रूट हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा देन सम ऑफ समूट विल बी बीवस टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वस टू सी अपॉन ए करेक्ट सो अगर आपको ये दोनों जनरल फॉर्म अच्छे से पता है आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो करेक्ट चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस सेवनटीन इक्व टू जीरो हमने माना है इसके रूट क्या है अल्फा एंड बीटा चलो पहले अल्फा बीटा को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है आपका समो प्रोडक्ट होता है आपका माइनस बी अपॉन ए करेक्ट तो आपको पता है इस कॉपेशन को क्या कहते हैं ए इस कॉपेशन को क्या कहते हैं बी और इस क्वेश्चन हम क्या कहते हैं सी ठीक है हमने यहां ऊपर डिस्कस किया था है ना चलिए अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं सो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वस टू ट्वेंटी बाय थ्री ओके एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वस टू सी अपॉन ए देन अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वस टू सेवनटीन डिवाइड बाय थ्री ठीक है तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था आपके पास एक इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस जीरो एंड इसके रूट्स हैं आपके पास अल्फा एंड बीटा अब आपको क्या करना है इन दोनों रूट्स को रेसिप्रोकल करना है और उसकी हेल्प से एक इक्वेशन फॉर्म करनी है ठीक है सो हमने क्या करा हमारे पास दो रूट्स आ गए अब ठीक है दैट इज वन अल्फा एंड वन बीटा करेक्ट अब आप जब इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन फॉर्म करोगे सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्व टू जीरो करेक्ट चलिए सो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा इंटू एक्स प्लस वन बाय अल्फा इंटू वन बाय बीटा इक्वस टू ज़ीरो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस वन बाय अल्फा बीटा इक्वस टू ज़ीरो ठीक है हमने ऊपर ही अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली थी ठीक है अब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे सब्सिट्यूट करेंगे ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी आई थी ट्वेंटी बाय थ्री ट्वेंटी बाय थ्री एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी आपकी सेवनटीन बाय थ्री करेक्ट यही आई थी ना आपकी सेवनटीन बाय थ्री यस प्लस वन बाय अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी थी आपकी सेवनटीन बाय थ्री इक्वस टू जीरो ठीक है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी बाय सेवनटीन एक्स प्लस थ्री बाय सेवनटीन इक्व टू जीरो सेवनटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस थ्री इक्वस टू जीरो राइट ज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो so, गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टेन इक्व टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टेन इक्व टू जीरो हैव अ कॉमन रूट देन आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं ठीक है आपको क्वेश्चन में दे रखी है दो इक्वेशन पहले इक्वेशन क्या आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टेन इक्व टू जीरो राइट आपका दूसरी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टेन इक्वस टू जीरो आपको बता रखा है कि दोनों में एक रूट कॉमन है हम मांग के चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टेन इक्वेशन जीरो में आपके जो दो रूट हैं वो हैं अल्फा और बीटा एंड आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्स टेन इक्वेशन जीरो इसके जो दो रूट हैं वो हैं आपके एट सपोज बीटा एंड गामा तो आपको क्वेश्चन बोला कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो यहाँ पे आपका बीटा है और यहाँ पे, तो पे भी आपका बीटा तो दोनों जो इक्वेशन है इनमें एक रूट कॉमन है दैट इज बीटा आपको इस बीटा की हेल्प से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए आपके पास जो पहली इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टेन इक्वीरो इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा मतलब कि ये जब आप x की जगह इसके रूट को पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ठीक है हम क्या करते हैं यहां पर बीटा की वैल्यू पुट करते हैं ठीक है सो वह फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस टेन इक्वस टू जीरो आपकी पहली इक्वेशन तो ये बन गई ठीक है आपके पास सेकंड इक्वेशन कौन सी आपके है आपका सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टेन इक्व टू तो जीरो एंड इसके सिमिलरली दो रूट हैं बीटा एंड है गामा तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में भी एक्स जगह गए इसका रूट पुट करेंगे बीटा ठीक है आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस बी इन टू बीटा माइनस टेन इक्वस टू तो जीरो इक्वेशन नंबर सेकेंड चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं सो so क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन राइट यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी बीटा स्क्वायर प्लस ए इंटू बीटा प्लस टेन इक्वस टू तो जीरो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा माइनस टेन इक्व टू तो जीरो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस यहाँ पे तो पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे क्या आएगा आपके पास A माइनस बी इंटू बीटा प्लस ट्वेंटी इक्वस टू ज़ीरो तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से यहाँ से आपके पास आ गया a माइनस बी इंटू बीटा इक्वस टू माइनस ट्वेंटी यहाँ से आपके पास आ जाएगी बीटा की वैल्यू दैट इज माइनस ट्वेंटी ए माइनस बी करेक्ट आपके पास से आ गया बीटा की वैल्यू आ गई अब आप क्या करो इस बीटा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो चाहे आप फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में ठीक है हम क्या करते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे निकालते हैं सो फर्स्ट इक्वेशन इज बीटा स्क्वायर प्लस ए इंटू बीटा प्लस टेन इक्व टू जीरो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे माइनस ट्वेंटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ट्वेंटी ए माइनस बी प्लस टेन इक्वस टू जीरो फोर हंड्रेड ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए ए माइनस बी प्लस टेन इक्वस टू जीरो अब हम यहां पर लेंगे हमारा एल्सियम दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ आएगा आपका फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एंटू ए माइनस बी प्लस टेन ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्व टू सीरो ठीक है यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं दैट इज फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी ए इंटू ए माइनस बी प्लस टेन ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वस टू ज़ीरोन फोर हंड्रेड इक्वस टू ट्वेंटी ए ए माइनस बी माइनस टेन इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वस टू ज़ीरो दैन यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा टेन और ए माइनस बी सो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं टेन ए माइनस बी Then, आपके पास अंदर यहाँ पे बचेगा टू ए माइनस ए माइनस बी करेक्ट तो यहां से आपका बताएगा यहाँ पे फोर्टी टाइम्स सो फोर्टी इज इक्वस टू ए माइनस बी एंड हेयर इज टू ए माइनस ए प्लस बी फोर्टी विल बी इक्वस टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी फोर्टी इज इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्वेश्चन में निकालना था ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एंड आपके पास वैल्यू आ चुकी है 40. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है right option option D, 40. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इंटीजियर के विच मेक्स द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के इक्व टू जीरो इमेजनरी ठीक है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक फाइंड करनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ के जो कि आपके इस इक्वेशन के रूट्स को बनाएगा इमेजनरी करेक्ट देखिए अब आपके रूट्स का नेचर कैसा होता है आप अपने रूट्स को कैसे पता लगाओ कि वो रियल है इनिक्वल है इमेजनरी है या इेशनल है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल शो करता हूँ आपको वहीं पे समझाता हूँ कि इस टेबल का इम्पोर्टेंस क्या है गाइज आप इस टेबल पर थ्री स्टार मार्क कर लीजिए एंड इस टेबल की एक स्क्रीन ले लीजिए बिकॉज आपको एग्जाम में इस टेबल से क्वेश्चन जरूर मिलेगा ठीक है आपकी जो रूट्स का नेचर है वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ऑफ डी पे दैट इज डी इज इक्व टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेक्ट तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी निकालनी है एंड जो जो आपकी वैल्यू आएगी डी के उसके हिसाब से आप अपने रूट्स का नेचर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं ठीक है थीके? यदि आपकी डी की वैल्यू आती है जीरो तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल ठीक है नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अगर आपकी डी की वैल्यू आती है ग्रेटर देन दैट इज पॉजिटिव एंड आपका वो जो पॉजिटिव नंबर है वो है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो आपके रूट्स की वैल्यू होगी रियल अन इक्वल एंड इरेशनल ठीक है सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज अगर आपकी डी की वैल्यू आती है ग्रेटर देन जीरो एंड मतलब दैट इज पॉजिटिव नंबर और वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है मतलब 25, 36, 49, 64 फोर्टी नाइन सिक्सटी और एनीथिंग मतलब आपकी कोई भी वैल्यू आती है डी की ग्रेटर देन जीरो है वो आपका वो क्या है तो परफेक्ट स्क्वायर है तब मतलब तो आपके रूट्स का नेचर होगा रियल अनइक्वल एंड रेशनल ठीक है नौ अगर लास्ट पॉइंट इज अगर आपकी डी की वैल्यू आती है लेस देन जीरो मतलब कि नेगेटिव तब आपके रूट्स का नेचर होगा इमेजिनरी एंड अनइक्वल ठीक है चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड करना लीस्ट वैल्यू ऑफ के जब आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो इमेजनरी ठीक है मतलब कि आपके जो वैल्यू आएगी डी की वो नीचे लेस देन करेक्ट चलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के टू जीरो आपको बोल रहा आपको है आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी के की जब आपके यहां पर रूट्स क्या हो इमेजनरी ठीक है रूट्स आर इमेजनरी ठीक ओके तो आपके रूट्स इमेजनरी कब होंगे जब आपकी जो डी की वैल्यू क्या हो लेस देन जीरो आपका डी क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी लेस देन जीरो ठीक है यहां पे आपकी बी की वैल्यू क्या है फाइव फाइव का स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी फाइव minus 4 into 1 into k is less than 0 now squaring both sides squaring both sides Here, you you 25 minus 4k is less than 0 then minus 4k is less than minus 25 ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके जो इक्वेशन आएगी दैट इज फोर के इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव ठीक है आपको ध्यान रखना जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये जो वैल्यू होती है ये हो जाती है एकदम अपोजिट ठीक है यहाँ से आपके बाद क्या आ गया फोर के इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव दैन के शुड बी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव बाई फोर दैट इज के शुड बी ग्रेटर देन सिक्स पॉइंट टू फाइव जब भी आपकी के की वैल्यू इस नंबर से ज्यादा होगी आपके पास रूट्स क्या मिलेंगे इमेजिनरी मिलेंगे ठीक है चलो देखते हैं यहां पे कौन सा ऑप्शन तो होगी ग्रेटर तभी आपका क्या होगा रूट इमेजनरी ठीक है अब देखो फोर इज लेस देन सिक्स टू फाइव ये तो नहीं होगा नहीं होगा सिक्स पॉइंट टू फाइव ये भी नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है ऑप्शन नंबर डी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ क्वारी इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर ठीक है यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है कुछ इस हिसाब से कि आपको वन रूट ऑफ क्वारटी इक्वेशन क्या हो अदर रूट के ट्वाइस हो ठीक है चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं यहां पे आपको इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस वन एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो करेक्ट ठीक है आपको ये इक्वेशन दे रखी है लेट सपोज यहां पे आपके दो रूट्स आते हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा सो आपको इस इक्वेशन में फाइंड करनी है ए की वैल्यू कुछ इस हिसाब से कि आपको जो वन रूट हो वो अदर रूट है क्या हो ट्वाइस ठीक है सो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है और आपको इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए ए की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है चलिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे आपना बेसिक यूज करेंगे दैट इज सम ऑफ ऑफ रूट्स रूट्स एंड प्रोडक्ट ठीक है roots, सो सम ऑफ रूट्स इज इक्व टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्व टू माइनस बी अपॉन है दैट इज माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री करेक्ट सो so, आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है दैट इज अल्फा इज इक्वस टू टू बीटा यहाँ पे हम पुट करते हैं टू बीटा प्लस बीटा इज इक्वस टू वन माइनस थ्री ए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री दिस इम्प्लाईज थ्री बीटा इज इक्वस टू वन माइनस थ्री ए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री यहां से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज बीटा इज इक्वस टू वन बाय थ्री एंड वन माइनस थ्री ए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री ठीक है यहां से आपके पास आ गई वैल्यू बीटा की दैट इज दिस ठीक है सो यूज करते हैं हमारा सेकंड बेसिक फॉर्मूला दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट दल्फा इंटू बीटाजी टू एंड ए स्कूल 3 ठीक है आपको यहां पे कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा इसी कंडीशन पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो हम यहां पे पुट करते हैं 2 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री और दस को सॉल्व करते हैं सो so, यहाँ पे टू से आपका टू कर देगा यहाँ पे क्या आएगा आपका बीटा स्क्वायर इज इक्वस टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री करेक्ट थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर बीटा के लिए फाइंड करी थी डैट इज बीटा इज इक्वस टू वन बाई थ्री वन माइनस थ्री ए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं so while putting वन by थ्री वन minus थ्री a and a square minus फाइव a plus थ्री इसका क्या होगा आपकी क्या है बीटा की वैल्यू इस यहाँ पे क्या आपका होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा आपका वन बाय ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री एक चेक कर लेते हैं करेक्ट ठीक है तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या है आपका वन बाय नाइन वन माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्व टू वन बाय ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री करेक्ट तो यहाँ से आपका स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे आपका क्या आएगा वन माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर इज इक्वस टू नाइन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री यहाँ पे हम लोग उसका होल टर्म खोलते हैं वन प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए इज इक्वस टू नाइन ए स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव ए प्लस ट्वेंटी सेवन सो नाइन ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे कट गया यहाँ पे आपके पास आएगा दैट इज थर्टी नाइन ए इज इक्व टू ट्वेंटी सिक्स एंड ए इज इक्वस टू ट्वेंटी सिक्स बाय थर्टी नाइन आपका थर्टी के टेबल से कट रहा है टू बाई थ्री सो यहां से आपके ए की वैल्यू क्या आ गई टू बाय थ्री राइट सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज So guys, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो गाइज आज के सेशन का इक्वेशन सेट का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एंड यदि आपने इसका सेट वन नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन इसका सेट वन देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेट वन सेट टू में आपके जितने भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सारे कवर करने की कोशिश की है ठीक है सो लास्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री विद रियल प्लस आई ज वन ऑफ रूट इज ठीक है तो आपको यहाँ पर एक रूट वेल्यू दे रखी है आपको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करनी है ठीक है सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक कंसेप्ट यूज होता है आपको उस कंसेप्ट को ध्यान रखना है द कंसेप्ट इज इफ पी प्लस रूट क्यू इज आ रूट ऑफ क्वालिक इक्वेशन रूट ऑफ क्वारिक इक्वेशन देन इट्स अदर रूट इज पी माइनस रूट क्यू ठीक है तो ये क्या है एक दूसरे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ठीक है तो यहां पे इस इक्वेशन में आपको एक रूट दे रखा है दैट इज वन प्लस आई ठीक है आपका सेकेंड रूट क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली वन माइनस आई दूसरे क्या होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो आपको इन दोनों के रूट की हेल्प से क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करनी है ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है यदि आपको ऐसा कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे बिकॉज यहाँ पे आपके दोनों रूट तो आ गए वन प्लस आई हो वन माइनस आई अब क्या करना है आपको सिर्फ इक्वेशन तो फॉर्म करनी है ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक रूट के रूप दे रखी है तो वो में दे इज़ वन प्लस आई आपके पास अदर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर दैट इज वन माइनस आई अब आपको यहां पे क्या करना है आपको यहां पर इक्वेशन फॉर्म करनी है इन दोनों रूट की हेल्प से दैट इज अल्फा लेट सपोज बीटा तो आप कैसे फॉर्म करते थे इक्वेशन को आप करते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्व टू जीरो बस यहाँ पे प्या करना आपको यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस आई प्लस वन माइनस आई एक्स प्लस वन प्लस आई वन माइनस आई इक्व टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस आई प्लस वन माइनस आई एक्स प्लस वन माइनस आई स्क्वायर इक्व टू जीरो देखो I को हम बोलते हैं यहां पर आयोटा एंड इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में माइनस वन जब यहां पे स्क्वायर करेंगे यहां पे आपके पास वैल्यू क्या जाएगी माइनस वन करेक्ट चलिए इसको यूज करते हैं तो यहां पे आपका आई से यहां पे आई कट गया यहां से क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस ऑफ माइनस वन टू जीरो so, भी आपको मैंने बताया था, आई होती है आपकी माइनस वन ठीक है सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्स टू एक्स प्लस रिक्वायर्ड आंसर कितना आसान क्वेश्चन था बस आपको ये बस एक कंसेप्ट पता हो ठीक है आपको उसे ध्यान रखना है इफ पी प्लस रूट क्यू द रूट ऑफ अदर रूट विल बी पी माइनस अंडर रूट क्यू ठीक है सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सो आई होप गाइज आपको इस सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड यदि आपको इस सेशन से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस सेशन को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए सो गाइज दिस इज एंड ऑफ सेशन तब तक खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में